हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाली हूँ या बताने वाली हूँ इस नोट्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे अपने बायोलॉजी के नोट्स, कि आप इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। एंड ऑल्सो इसी चैनल पे मैं आपको बाकी जो भी अपडेट होंगी वो दूंगी, सो स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। एंड ये बायोलॉजी के नोट्स आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, सो बेसिकली ये जो नोट्स है ना, आप पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर शॉर्ट नोट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी है इसके अंदर। एंड एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी लाइन हमारी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सो बेसिक आइडिया हो क्या होगा कि ये क्या चीज है, आपको पढ़ना कैसे है। तो आपको ऐसे पढ़ना है जैसे ये एक पूरा पेज आप लर्न कर लीजिए, देन उधर से फिर एनसीईआरटी से एक बार रीड आउट कर लेना। ईच एंड एवरी लाइन इसमें कवर अप आपको मिलेंगी जब आप इसे लर्न कर लेंगे ना, तो एनसीईआरटी में ये वाला पेज करने में आपको हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे। ओके, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, पहले उससे पहले मैं बता देती हूँ इन नोट्स को करके कितना स्कोर आया था। लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड के 355 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360 एंड मेरे खुद के 350 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 360 ये नोट्स करने के बाद। तो आप मैक्सिमम इससे अगर बोले तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम 300 प्लस आप स्कोर कर लेंगे आप अगर इसको अच्छे से करेंगे। बट उसके साथ आपको करना क्या होगा, जैसे इसमें सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है, जो इससे अलावा आपके जितने भी डायग्राम्स हैं आप एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं वो आपको एनसीईआरटी से करने हैं। एंड जो हमारी टेबल्स वाली होती है ना वो सब इससे करनी है एनसीईआरटी से। तो आपको ये नोट्स अच्छे से करने हैं, देन इसकी जो हमारी एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं टेबल्स हैं वो करनी है। उसके साथ ना आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी जरूर है, जो ये हमारी समरी होती है चैप्टर में स्टार्टिंग में ना, ये समरी होती है ना, आपको इनको भी स्किप नहीं करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके साथ प्रीवियस ईयर लगाने हैं। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, ये नोट्स करने हैं, डायग्राम करने हैं, उसके साथ टेबल्स करनी है, ये समरी करनी है, साथ में पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये करके आप 300 इजीली स्कोर कर सकते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं ज्यादा गारंटी नहीं ले रही हूं, लेकिन इससे आए हैं इसलिए मैंने ये आपको प्रोवाइड किया है। एंड पूरी एनसीईआरटी है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे करना है। एंड इसी चैनल पे मैं आपको अगर कुछ अपडेट होंगी ऐसे रिलेटेड वो मैं दूंगी, अपने उस चैनल पे नहीं दूंगी क्योंकि वहां पर मैं सिर्फ ब्लॉग कंटिन्यू करना चाहती हूँ। एंड आई होप आप अच्छे से इनको कर लेंगे। सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए हैं कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नोट्स हैं। ओके, आई होप आप अच्छे से पढ़ें और अपना सिलेक्शन लेकर आए एंड स्कोर करें बहुत अच्छा। एग्जाम के बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे नोट्स करने के बाद के 300 प्लस आपके स्कोर आए, मुझे भी बहुत खुशी होगी अगर 300 प्लस आपका स्कोर आता है मेरे नोट्स हैं। सो बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।